वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा ये मेकअप लुक शेयर करूँगी। ये बहुत ही इजी क्विक एंड ब्यूटीफुल मेकअप लुक है। ये मैंने बेसिकली ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए क्रिएट किया है, बिकॉज उनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो अच्छे से अपना मेकअप करके ऑफिस जाएँ। सो इसलिए मैं उनके लिए ये वाला लुक लेकर आई हूँ। ये बहुत ईजी और 10 मिनट्स में ये पूरा मतलब कि रेडी हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने आईज़ को थोड़ा सा सिंपल और सटल रखा है, और यहाँ पे मैंने लिप्स को ग्लॉसी किया है। आप चाहो तो लिप्स को मैं ऐड भी कर सकते हो। आपके ऊपर टोटल है कि आपको किस तरह से मतलब कि एवरीडे लुक में आपको किस तरह का लिपस्टिक पसंद है। और आईज़ इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, बिकॉज ये डे लुक है तो ज़्यादा कुछ हैवी या फिर ग्लिटर फ्लिटर अच्छा नहीं लगेगा। और आप चाहो तो मैट ऑरेंज शेड या फिर मैट पिंक शेड, ब्राउन शेड, ये सब यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो सिंगल सिमर शेड्स भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ये वाला लुक क्रिएट किया है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो या अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मेकअप, स्किन केयर या फिर रिव्यू वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँ हस्बा हलाल का टोनर। ये बहुत ही अच्छा टोनर है, एकदम फेस को ग्लोई बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद यहाँ पे मेरा सैफ्रन गुड वाइब्स का सैफ्रन डे क्रीम, ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मेरा फेवरेट है ये। उसके बाद सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये डे लुक है। और देन मैं अपने लिप्स पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर ले रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, और ऑयली स्किन के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बहुत ही अच्छा है, और एवरीडे के लिए ये वाला प्राइमर मुझे भी अच्छा लगता है। आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीसी क्रीम अप्लाई करूँ। आप चाहे तो फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, या फिर मीडियम कवरेज वाला कोई भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन मैं अपने पूरे फेस को हल्का हल्का सेट करूँगी, ये डे लुक है तो ज़्यादा हेवी भी नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं ये पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा ऑयली स्किन है इसलिए। तो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन अपने आईब्रोज को बना लिया है। देन मैं यहाँ पर ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये लाइट ब्राउन शेड को लेके मैं अपना पूरे आईलेट पे अप्लाई करूँगी। ये डे लुक है, आप चाहो तो आप कोई भी मतलब कि मैट शेड्स या फिर सिंगल शिमर शेड्स को भी लेके यूज़ कर सकते हो। डे लुक है तो ज़्यादा हेवी भी अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब कि सिंपल लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर ये वाला शेड लिया है। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश से मैं उसी पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी, और इसको मेरे पूरा लो लैश लाइन के करीब करीब अप्लाई करूँगी। एक इल्यूज़न दूँगी कि मैंने लाइनर अप्लाई किया है, और इसको मैं आज लाइनर की तरह भी ड्रॉ कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा लुक है, प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो ब्लैक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह से भी आप आई शेडो को लाइनर की तरह भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेम ब्राउन शेड को लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे स्मज करूँगी, ताकि आई मेकअप बैलेंस रहे। आप चाहो तो काजल में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने लैशेस में ये अप्लाई करूँ लोरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है, डे लुक है तो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा भी प्रेफर करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे हल्का हल्का। उसके बाद ब्लश, मेरा ये स्विस ब्यूटी मैट पैलेट में से। उसके बाद बहुत ही मिनिमम हाइलाइटर, बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है तो थोड़ी देर के बाद ये ऑयली हो ही जाएगा। उसके बाद लिप लाइनर, मुझे लिप लाइनर अप्लाई करना बहुत ही पसंद है, ये आपके लिप को एक अच्छा शेप देता है और ब्यूटीफुल दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इन माय बैग का क्रीमी मैट लिपस्टिक अप्लाई करूँ, इसका शेड नंबर मुझे याद नहीं है, ये डार्क पिंक शेड है,
सो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी एस्फा हलल का टोनर, ये भी बहुत ही अच्छा है ताकि मेरा फेस